बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है बहुत कम टाइम में। विंटर की स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलिए मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, लंबाई में कटी हुई गाजर लिए हमने 2 कप के बराबर, यानी के आधा किलो। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने लिए मटर छिले हुए 1.5 कप के बराबर, यानी के 3 पाव। 2 अदद शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइसेस में कटे हुए, 1 कप कुकिंग ऑयल, आप घी भी यूज कर सकते हैं, 3 से 4 अदद तेज पात, दालचीनी की स्टिक 4 से 5 अदद, 6 से 7 अदद लौंग, 7 से 8 अदद काली साबुत मिर्चे, 1.5 टेबल स्पून सफेद जीरा, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल क्रश किया हुआ अदरक लहसुन, 6 से 7 अदद ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर जो मैंने राउंड शेप में कट कर लिए हैं, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अगर आप चाहें तो साबुत धनिया भी यूज कर सकते हैं। एक पॉट ले लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, आप घी यूज करें तो ज्यादा मजेदार बनेगा। देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटे हुए प्याज जो हमने स्लाइसेस में काट के रखे हुए थे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, इसको हमने पिंक कलर होने तक फ्राई करना है। तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसका पिंक कलर ना आ जाए। ये देखिए प्याजों का पिंक कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तेज पात, दालचीनी, लौंग और साबुत काली मिर्चे। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं सफ़ेद जीरा। मिक्स कर देंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्रश किया हुआ अदरक लहसुन। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे इस तरह से, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे, मिक्स कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और टमाटरों को मैश कर देंगे। ये देखिए टमाटरों को मैंने मैश कर दिया है, इतना भी नहीं किया, बस पुलाव में इतने ही टमाटर अच्छे लगते हैं मैश किए हुए। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं मटर। चूंकि मटर गलने में टाइम लगता है, इसी वजह से सबसे पहले हमने ऐड किए हैं मटर। मटर ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे पानी 2 गिलास। 1 किलो चावल बना रहे हैं इसी वजह से मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इस पॉइंट पर कटी हुई गाजर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने लंबाई में कट करके रखी हुई थी। कुछ लोग मटर के साथ ही गाजर ऐड कर देते हैं तो वो बिल्कुल मैश हो जाती है, खड़ी खड़ी हुई नहीं लगती। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिल्ली कटी हुई, मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए थे, इन्हें मैंने साफ रखे अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और उसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। गाजरों के साथ ही हम चावलों को भी ऐड कर देंगे इसी में। चावल ऐड करने के बाद अब हम चमचा चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल शौक से नहीं खाते तो आप यह पुलाव बनाकर दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करते रहिए कि पानी ड्राई हुआ कि नहीं। कवर कर देंगे। देखे।
देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा देंगे। आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रहा है बिल्कुल। अब हम इस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब हम ऐड कर रहे हैं व्हाइट पेपर, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी कर सकते हैं। मैं इस वजह से नहीं कर रही कि चावलों का कलर डार्क ना हो जाए। हल्के हाथों से मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। कवर कर देंगे, 10 मिनट तक दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए। लुक वाइज आप देख सकते हैं लुक कितनी अच्छी लग रही है चावलों की। अब हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला हुआ लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है मिक्स वेजिटेबल पुलाव। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली को बना के इस तरह से दें, बच्चे बड़े सब बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए मैंने चावलों के साथ ही गाजर ऐड की थी, गाजर बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव तैयार है। ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।